दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खसरा खतौनी चेक करने के बारे में। यदि आप अपने खेत का खसरा खतौनी निकाल कर देखना चाहते हैं कि उसमें किनका किनका नाम है किनका नाम नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसको चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है भूलेख यूपी। जैसे इतना लेके आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रहा है भूलेख, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी। आप इस डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। इस पे आपको क्या करना है, एक बार क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को इसमें फिल करना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे फिल करके फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं एक यहाँ पे पोर्टल आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है जनपद चुने, तो जो भी आपका ज़िला है आपको यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे दिया है तहसील चुने, तो जो भी आपका तालिका तहसील पड़ता है अपने यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लेना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दिया है ग्राम चुने। ग्राम ग्राम मान लीजिए बहुत सारा दिया हुआ है अपने, मान लीजिए आपके तहसील में बहुत सारे गाँव है, तो आप इसमें ढूंढने में भी आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, तो इसके वजह से देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम का पहला अक्षर चुने थे। आपके जो गांव है उसका क्या करना है, पहले अक्षर क्या करना है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उस अक्षर से जितने भी आपके गांव, आपके मतलब तहसील में आपका जितना भी ग्राम सभा रहेगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद उस पर क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, खसरा गाटा संख्या द्वारा खोजें, खाता संख्या द्वारा खोजें, खातेदार के नाम द्वारा खोजें, नामांतरण दिनांक से खोजें। तो मान लीजिए आप अपने खेत का आप इंतखाब का मतलब जो भी आपके खेत का अपने अपने खेत का इंतखाब निकालना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर होता है, नाम से भी जुड़ा जाता है। तो यदि आपका खाता संख्या या फिर गाटा संख्या नहीं है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे खातेदार के नाम से भी आप चाहे तो ढूंढ सकते हैं, मतलब जिनके नाम से खेत है उनके नाम से भी आप चाहे तो ढूंढ सकते हैं। तो क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे वर्णमाला का जो अक्षर है यहाँ पे सारा यहाँ पे आ चुका है। तो उनका जो पहला अक्षर है, जो उनका नाम है, क्या करना है आपको इसमें टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे खोजे वाले ऑप्शन पे क्या करना है आपको क्लिक करना है। मान लीजिए किसी का गौ से नाम है तो क्या करना है आपको यहाँ पे उनका पहला अक्षर क्या करना है आपको टाइप कर देना है। जैसे पहला अक्षर टाइप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे उनका यहाँ पे जितने भी उस गाँव में बहुत से नाम है उनका यहाँ पे आ जाएगा सारे लोग का। तो क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण देखने वाले ऑप्शन पे क्या करना है आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को इसमें क्या करना है, इंटर कर देना है। चलिए हम इंटर कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, इस बार कैप्चा कोड भरने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्या करना है आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जितने भी खसरा खतौनी में नाम रहेगा जितने लोग का, आपको इसमें उन लोगों का सारे लोग का यहाँ पे देख सकते हैं नाम दिख जाएगा और कितना क्षेत्र का क्षेत्रफल है आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। जो वहाँ पे खसरा संख्या है आपको यहाँ पे मिल जाएगा और जो खाता संख्या है देख सकते हैं आपको यहाँ पे खाता संख्या मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने खेत का खसरा संख्या आप निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों मेरा द्वारा दी ये जानकारी यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह से आपको नए नए वीडियो आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।